सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि छठे चरण के चुनाव में भाजपा के छक्के छुड़ा दिए हैं और सातवें चरण में सात समुंदर पार कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के टोपी पहनने को लेकर भी कटाक्ष किए हैं। सातवें चरण का मैं समझता हूं कोई नेता अब किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा होगा, इसलिए मल्ली की जनता और जौनपुर की जनता से हमारी विशेष अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। न केवल उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा बल्कि देश की राजनीति किसके हाथ में होगी इसका भी चुनाव है। साथ ही साथ हमारे भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा उसका भी चुनाव है। इसलिए आप सबसे हमें उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार लकी यादव को पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजोगे। छठवें चरण में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए, ये सातवें चरण का चुनाव है और मुझे ये लगता है कि सातवें चरण के चुनाव में जौनपुर और मल्ली विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पार्टियों को सात समुंदर पार भेज देंगे। आज आपने देखा होगा एक लोग जो हमारी टोपी को बदनाम करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया टोपी पहनने के लिए। ये अलग बात है, उन्होंने रंग बदल करके टोपी पहनी है, रंग बदल करके टोपी पहनी है। ये रंग बदलने वाले लोग हैं, ये रंग बदलने वाले लोग हैं और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार लकी के लिए यहाँ के लोग धुआंधार वोट करने वाले हैं। धुआंधार वोट और धुआंधार वोट कर करके जो विरोधी लोग हैं उन्हें धुआं धुआं कर देना और जिन्हें शायद क्रिकेट खेलना नहीं आता है, इस बार लगता है ऐसा स्टंप उड़ेगा क्या पता ही नहीं लगेगा स्तंभ कहाँ चला गया। बताओ मदद करोगे आप लोग? सब चीजें भुला करके उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।